वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। मैं अभी अपने गांव जाने के क्रम में हूं और मैं अभी यहां पर जनकपुर धाम के पुल चौक क्रॉस करते हुए यहां बिलोनी का जो रोड है वहां पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको मैं गांव की रोड ले चलता हूं फ्रेंड्स। ओके मिलते हैं फ्रेंड्स। तो गाइज अभी मैं अपने घर पर ठिल्ला यदुआ पहुंच चुका हूं और यहां से मैं आपको आगे मिलवाते हैं। गुणसागर भैया है कि राम सागर भैया है फ्रेंड्स। और हमारे पिताजी और सभी यहां के जितने भी महानुभाव सब है यहां पर चाय की दुकान पर 1 बजे की हवा खा रहे हैं और पूर्वा पछिया हवा भर रहा है इसीलिए हवा खा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए मिलते हैं। ये देखिए ये मंदिर और ये। तो गाइस मैं अपनी जो हमारी ज़मीन है पुश्तैनी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पिलर देख रहे हैं फ्रेंड्स ये एक पिलर है और यहाँ से आपको ये रोड पर से आने का ये रोड है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये आपको जितना हुआ जोता हुआ खेत जो आगे का भी है, एक कोला उधर है और एक कोला इधर है, ये 1, 2, 3 और ऊपर का 4 कोला फ्रेंड्स ये यहाँ पर है। और ये आपको मैं यहाँ से ये कहाँ पर कई नंबर वार्ड में घर भेलो पहले तो 3 नंबर हो चले तो 3 नंबर आप तो भोगले सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 8 पूरा गांव में पूरा गांव। हां ये गांव में रहता तबीयत सब ठीक है? ठीक है भैया। बढ़िया सर खान है सब विदेश से रहते लड़का सब विदेश से रहते। तो गाइस देखिए बहुत दिनों के बाद मिला है और ये व्यक्ति बहुत पुरातन है, बहुत सहयोग करते थे गाइस। देखिए गाइस अच्छा इंसान है। ये हमारे गांव के भतीजा पढ़ने वाले और यहां पर ये फर्नीचर का काम करते हुए फ्रेंड्स ये अपना फर्नीचर का कार्य यहां पर करते हैं। और ये फर्नीचर बुआ तुम्हार नाम कथी हो? ललित शर्मा। और ये देखो ये फ्रेंड्स यहां ललित शर्मा है और ये अपना। और गाइस तो मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कथी नाम है तुम्हारा? लक्ष्मेश्वर ठाकुर बड़ी। अच्छा का जसका बेटा हम से। अच्छा अच्छा। तो गाइस ये देखिए अपना नाम बता चुके हैं और मैं यहाँ पर आए थे अपने गांव पुश्तैनी गांव। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलता हूँ आगे। तो गाइस अभी मैं हमारे एक पिराड़ी वाला जो हमारे खेत में लगुआ थे उसका घर है ये फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आया था और यहाँ आपको नहीं मिले। और ये और देखिए गाइस ये इनका घर है। और मिलते हैं गाइस, मैं आपसे आगे भी मिलतूँ। तो फाइनली हम गाइस यहाँ रोनाथपुर में आ चुके हैं फ्रेंड्स और मैं यहाँ आपको मिलवाते हूँ हमारे साढ़ू भाई। और गाइस मैं आपसे गाइस इन्हीं से मैं आप पूछता हूँ कि इनके व्यापार कैसा चल रहा है। तो बताइए अपना व्यापार कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो देखते हैं कि ग्राहक बहुत खाली है अभी। कभी तो खाली है ये अभी बाजार में 3-4 बजे बाजार तक। और गाइस फाइनेंशियली देश विदेश में हालत अवस्था गंभीर है और सुनने में आता है बैंक सब जो है ऋण नहीं दे पा रहे हैं। हाँ क्या सही है? सब बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया आप मालूम है? लॉक बंद है और क्या बोलते हैं अभी ये युद्ध हो रहा है वोटिंग के चलते। वोटिंग है नेपाल में, वोटिंग है। वोट कब से? 30 गते बैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव है फ्रेंड्स। और ये जो स्थानीय चुनाव होता है और उसमें कहा जाता है सभी जनता से बोल रहे हैं। हमने मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर ये आप कहिएगा कि आप बोल रहे हो। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि
जनता से बोल रहा है, क्या बोलते हैं आप बोलिए, क्या चीज के लिए आप क्या बोल रहे थे कि फाइनेंशियल अभी सब बैंक सब सब लोन बंद किया हुआ है और लोन बंद करके पैसा सुनते हैं बहुत क्राइसिस हो गया है, जनता के पास में पैसे नहीं है, सब बंद किया हुआ है, बहुत दिक्कत हो गया है, व्यापार भी नहीं चल रहा होगा, चल कितना चलता है, कितना बिक्री हो जाता है दिन भर में, 5,000-6,000 मात्र, जबकि आपका लगभग 25-30,000 का बिक्री था, नहीं 25-30,000 का बिक्री में सिर्फ 5,000 का बिक्री होता है गाइस, देखिए कैसा मुसीबत आ गया यहाँ पर। दो आपको जो होता है जो बीट होता है फ्रेंड्स, जो हफ्ता खुलते हैं वो हफ्ता भी नहीं दे पा रहे हैं, तो गाइस क्या कहें, बहुत ऐसी अवस्था है। और मैं ये परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ये जल्द से जल्द ये समस्या सॉल्व हो और जल्द से जल्द ये समस्या निवारण हो। मैं यही कहते हुए फ्रेंड्स मैं आपको जनकपुर धाम में मिलते हैं और वहाँ गांव में भी फिर जाना है अपने घर पर, यहाँ से मैं गांव में जा कर के सारा सामान ले कर के फिर वहाँ जनकपुर निकलूँगा फ्रेंड्स, वहाँ निकलते हुए आपसे वहाँ मिलते हैं गाइस, तो मिलते हैं गाइस जनकपुर में। यहाँ पर जो आपको नाम बता चुका है ललित शर्मा, बउआ की करे छ ये काम करे छ फर्नीचर के, ये कथी कथी बने हैं? अरे हर चीज बने, जैसे पति पलंग बॉक्स पलंग टेबल बेंच सब चीज, अच्छा अच्छा सोफा सेट, आ रेट किफायत है कि महंगा है? गांव है ना, गांव घर अनुसार सस्ते दे, बहुत सस्ता है ना, बहुत सस्ता। अगर मान के चलू ये वीडियो देख कर अगर अहाँ से संपर्क करना चाहते, संपर्क यदि करना चाहे तो कितना नंबर पर आपको संपर्क कर सकता है? 98048-85-666। अच्छा एक बार फिर से नंबर बोल दो, 98048-85-666। और कहाँ ठिकाना भी बोल दो, खिल्ला सवेला नगर पालिका, सवेला नगर पालिका वार्ड नंबर 8 है। अच्छा ये हो गया इसको क्या बोलते है, कितने पहले का वार्ड कितना था, ये 9 नंबर था, 9 नंबर, 3 था, 3 नंबर। और गाइस तो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये पहले 9 नंबर था और ये लड़के सब अपनी कार्य को अंजाम दे रहे हैं और ये सभी अपनी अपनी बहुत सी ऐसी की। और ये पलंग का डिजाइन है फ्रेंड्स, और देखिए ये डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये इसके पीछे यहाँ पर काठ का भंडारण किया हुआ है, तो मिलते हैं गाइस, आपको आगे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। गाइस आज जो है 9 तारीख है, 4 महीना का 9 तारीख 2022 और ये गांव पर आए हैं अभी ते हुए और ये देखिए ये चूल्हा अभी फूकना बाकी है, चूल्हा भी यहाँ पर खाना बन रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए पुराना चूल्हा है मिट्टी का, करछी लग रहा है, तो देखिए गाइस ये गांव का घर और अब जलावन इसमें डालते हुए तो गाइस देखिए ये अब चूल्हा फूक चुका है, अब इसमें ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब चूल्हा जला रहे हैं माता जी और यहाँ पर खाना पकेगी और खाना यहाँ आग जो होता है फ्रेंड्स लकड़ी का, इसमें खाना अच्छा बनता है और गैस पर जो है खाना थोड़ा उतना अच्छा उतना नहीं होता है मीठा। और यहाँ ये अब सुबह का 7 बज चुका है फ्रेंड्स और हम अभी साइकिल को हम यहाँ ले जाते हुए फ्रेंड्स बाड़ी में इस मोटर से धोएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर जनकपुर निकलेंगे फ्रेंड्स। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैं एक मेडिकल स्टोर है, मैं यहाँ पर आया हूँ, हमें एक काटी से लग गया है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टिटनस बाइट लेने के लिए आया हूँ फ्रेंड्स। ये एक हमारे भतीजा पढ़ने वाले हैं और ये देखिए अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और टिटनस ले करके फिर यहाँ से मैं आपको आगे मिलवाते हैं। गाइस देखिए ये अभी
गांव ब्लॉक का जो जमीन सबका जो अपनी अपनी जमीन को सुनिश्चित करने के लिए गाइस ये अपनी नागरिकता का फोटोकॉपी करवा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये सभी गांव के यहां पर है वहां करवाने के लिए। और देखिए वेलकम बैक गाइस, मैं अभी जनकपुर से गांव खिल्ला आए हैं और ये गांव का दृश्य है फ्रेंड्स। मैं अभी गांव पर हूँ और ये फ्रेंड्स अब यहाँ का दृश्य है, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हुए फ्रेंड्स। आज सुबह का ये सुबह सुबह की है और मैं अभी सुबह में सवेरे लगभग 6:30 के तकरीबन में उठे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको विजिबिलिटी आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आगे दृश्य दिखाएंगे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ का आगे का जो भी बात होगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं। तो गाइस अभी हमारे बीच में एक भाई है वीरेंद्र और ये मिलिए इनसे और इनसे बात कराते हैं। बोलिए कुछ अपना सब बोलिए ना, नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम वीरेंद्र भगत है। हाँ। और खिल्ला का है। हाँ। जिला धौंसा। क्या नेपाल करते? विदेश में क्या करते? विदेश में लेबर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और काम सब चलता है? काम सब सब सही है। और पैसा कितना देता है? पैसा 1000 रुपया देता है तनख्वाह। 1000 रुपया चल जाता है? अब उसमें तो थोड़ा बहुत खाने पीने में चला जाता है। अच्छा अच्छा। बस्ता कितना है? थोड़ा बहुत बस्ता है 8-9 से। तो गाइस देखिए विदेश का भी अवस्था यही है, वहाँ 1000 रियाल मिलता है और 1000 को जानते हैं फ्रेंड्स लगभग 32-33 हज़ार हुआ। और 32-33 हज़ार में लगभग इसको 10,000 नेपाली लग जाता होगा खर्च खाने पीने में। तो लग जाता है। हाँ। और लगभग 20,000 बचा लेता है फ्रेंड्स। और देखिए ये बहुत तकरीबन कितना दिन से आप यहाँ वहाँ है? 10 साल लगभग। 10 साल ये भाई हमारे 10 साल से वहाँ पर विदेश में खट रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए कितना दिन और रहना है, कितना दिन रहना है? रहेगा 4-5 साल और लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 4-5 साल और रहने वाले हैं। और गाइस यही प्रार्थना करेंगे फोटो को वो आएंगे, वो सब आएंगे। ये ये 75 mm में है, ये जो है ना बड़का पर्दा वाला है ना वो है, इसीलिए उसको दिखाने के लिए ये वो दिख रहा है। तो ओके सभी को नमस्कार बोल दीजिए। नमस्कार और प्रणाम सत्रियकाल फ्रेंड्स। ये बहुत दिनों के बाद मिला है, लगभग हमको लगता है कि 10 साल नहीं 10 साल हो गया ना। और 10 साल पहले मिलते थे, खूब घूमघाम करते थे फ्रेंड्स। तो आइए अब मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ। ओके मिलते हैं गाइस। गाइस सभी जमीन अपनी अपनी जमीन जो गांव ब्लॉक के जमीन है फ्रेंड्स। और ये अभी सब अपना अपना ले रहे हैं। गाइस अभी मैं अपनी गांव के घर पर हूँ। माँ जो है साग बना रही है। कति के जी हमारे पिताजी के तो गाइस अभी मैं यहाँ से गांव से निकल रहे हैं। 2 गो चाउर का बोरिया है। मोटरी है, बासमती चावल है। कथी अथी है, कौन चाउर है यार? सोना सवरना है, सजमैन है, भंटा है और टमाटर है। और यहाँ से खुरसानी है, माई है, देखिए माता जी साग भी है। तो यहाँ से अब निकलते हैं फिर, अब यहाँ से अब गांव से निकल रहे हैं। तो गाइस अब बस आज का ब्लॉग यहीं पर समापन करते हुए गाइस, और मैं आपको वहाँ जनकपुर में भी जाते ही आपको फिर वहाँ से पहुँचेंगे तो फिर आपका ये दृश्य वहीं समापन करेंगे गाइस। तो ओके मिलते हैं गाइस। ओके फ्रेंड्स।